उस टाइम पे वो प्रीस्ट वहाँ पे बैठते हैं और झूला झूलते हैं, मतलब ये उनका बिलीफ है कि अगर उनके शरीर में ऐसे भगवान है तो उन्हें ये नेल्स हॉट नहीं करेगा, कि ब्लड्स भी नहीं आएंगे। ओके, सो ये कांटे लगे हुए हैं इस झूले पे, ये देख सकते हैं आप। Hello friends, welcome back to the channel. So as all of you know, so Explorewith Asit is not all about exploring the places which are explored, which are popular only. Sometimes it's about showing you the facts or some places which are unexplored or hidden to the world. So today we are going to see something like that. Odisha has the most number of tribes in any of the states of India. So it has around 62 tribes, which accumulates of 24% of the state's population. So right now I am at Bhubaneswar Tribal Museum. So this is the museum situated right in the center of the city. Then we are going to now see how the museum is, what are the things out there, what are the tribal facts we are going to explore. So let's go on a tribal journey where I will see the lifestyle of tribal people. We are going to see the things they do. We are going to see how they hunt, how they dance, how they live their life. Different tribes, the sacred tribes or the important tribes of which government is focusing more on it. Let's go and explore it my style. Cheers. The museum is open every day from morning 10 to evening 5, except Monday and other government holidays. So, and the entry is also free to the museum on weekdays. तो राइट नाउ अभी चलते हैं, हम थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं व्हाट ट्राइबल लाइफस्टाइल आर देयर इन ओडिशा, एंड दिस इज द सेक्शन वेयर वी गेट द एक्सप्लेनेशन अबाउट डिफरेंट लाइफस्टाइल्स ऑफ ट्राइबल पीपल। सो लेट्स सी। सो बेसिकली वी विल गो वन बाय वन विद द ट्राइबल लाइफस्टाइल हियर, एंड सो वी विल स्टार्ट विद द बोंडा ट्राइब। ये बोंडा ट्राइब है, तो इनका जैसे कि जो इनका कॉस्ट्यूम, इनका ट्रेडिशन ऐसा होता है, जैसे कि उनका जो कल्चर है ये सबसे अलग होता है। ये थोड़ा कलरफुल ट्राइब है। तो ये उनके जो फीमेल होते हैं ये कपड़ा नहीं पहनते, जैसे कि नीचे छोटा सा कपड़ा पहनते हैं, उसको रिंगा बोलते हैं। उनका खुद का लूम है, तो वो उसको खुद बनाते हैं। ट्रेडिशनली वो केरंग, एक पेड़ था, उसका फाइबर यूज़ करके तो उससे वो ये उनका जो रिंगा है उसको बना के पहनते हैं। ये जो छोटा सा कपड़ा वो नीचे पहनते हैं और ऊपर कुछ नहीं पहनते, सिर्फ ऊपर जो बीड्स से कवर करते हैं। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट ट्राइब। दिस इज दिदई ट्राइब। चलिए, सो ये साउथ पार्ट में आते हैं, साउथ सदर्न पार्ट में आते हैं उड़ीसा के। तो इनका क्या स्पेशलिटी मैम? इनका ये है, ये जैसे कि टेरेस कल्टीवेशन करते हैं। ओके, स्टेप वाइज जो कल्टीवेशन होता है, नहीं तो फिशिंग करते हैं और इसे बैम्बू बास्केट्स भी बनाते हैं, खुद बनाते हैं। वन टू द नेक्स्ट वन, इट इज चुपिया भुजिया। दे आर फ्रॉम लुआपाड़ा डिस्ट्रिक्ट, वेस्टर्न पार्ट ऑफ ओडिशा। स्पेशलिटी ये है कि ये जो इनका किचन, ये बहुत सेपरेट प्लेस है। ओके, तो ये घर से अटैच नहीं होता, घर से अलग होता है। एक जगह में मेन घर होता है और उनका किचन अलग होता है। और वहाँ पे एक झूला है उस साइड में, वहाँ पे कांटा लगा हुआ है। ओके ओके ओके। तो ये एक्चुअली इनका एक फेस्टिवल होता है, चुटिया भुजिया का बाली यात्रा। तो उस फेस्टिवल पे जो प्रीस्ट होते हैं वो एक्चुअली जो पूजा करते हैं उनके भगवान को, तो वो फेस्टिवल ओकेजन पे वो पोजेस्ट होते हैं। ओके, जैसे कि स्पिरिट आता है उनके शरीर में, भगवान आते हैं, तो उस टाइम पे वो प्रीस्ट वहाँ पे बैठते हैं और झूला झूलते हैं। मतलब ये उनका बिलीफ है कि अगर उनके शरीर में ऐसे भगवान है तो उन्हें ये नेल्स हॉट नहीं करेगा, कि ब्लड्स भी नहीं आएंगे। So what is the specialty of this? They are actually horticulturists. Okay. This only tribe, ये जो tribe है, एक ही tribe है जो कि जो primitive tribe में जो कि horticulturists हैं, जैसे कि pineapple हो, banana और jackfruit, ये सब cultivate करते हैं। Okay. जैसे कि इनके जो male और female, ये दोनों ये almost they are looking same. जैसे कि वो जो female होते हैं वो जो पहनते हैं, male भी वही पहनते हैं। ये male person है। So ये this is male person. Only the female.
they have three nose ring and male have two. This way you can identify that they are the male and they are female. So female has three nose rings and I think male jo hai ye do laga hai. मेल के वहाँ दो रिंग्स है तो इससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं मेल और फीमेल यहाँ. सो नेक्स्ट अप इज वंजिया सोरा. ये जैसे कि इनका स्पेशलिटी है ये कि जो पेंटिंग उसको इडिताल बोलते हैं. इडिताल मीन्स वॉल पेंटिंग. वो घर के अंदर बनाते हैं. वहाँ पे आप देख सकते हैं घर के अंदर इडिताल पेंटिंग है. वो पहले उसको ये पेंटिंग और ये उनका ड्रेस पैटर्न है. जैसे कि जो लांजिया सोरा इनको इसीलिए बोलते हैं क्योंकि ये जो पहनते हैं ये आगे और पीछे ऐसे पूंछ की तरह लटकते हैं. तो इसको ये जो पूंछ को उड़िया में लांजो बोलते हैं. तो इसीलिए लांजिया सोरा. एंड दिस इज व्हाट. दिस इज अ ट्रम्पेट. ट्रम्पेट. सो दिस इज अ बैम्बू बैंगल एंड दिस इज अ फ्लावर पॉट. दिस इज अ बैम्बू फ्लावर पॉट एंड दिस इज अ पेन स्टैंड. सो दिस इज बाय लोधा ट्राइब्स. एवरीवेयर द डिवाइसेस आर इंस्टॉल्ड. So these are the devices the government has given over here. So you can you can just play the video and you can see the lifestyle out there. So they're just the video is playing over here. Other than that, let's move on to the next section at the tribal museum. In the end we'll go and have our lunch. So this is a great informative or insights by ma'am over that place about the tribal lifestyle. Now let's go and check out the other place where we'll see the ornaments and other things of the tribal people. So moving on, we'll go to the personal adornments section of the tribes. This is the first gallery. We have displayed ornaments in this gallery. And Odisha has 62 types of scheduled tribes, out of which 13 are particularly vulnerable tribes. Okay. So here, ornaments have been displayed. Mm-hmm. These are the silver ornaments. Okay. And you can see the spikes in these jewelries. These are meant for self-defense. Okay. Women use this as weapon in extreme cases. Okay. So these are the jewelries. They can use as weapons as well and they wear this. Yeah, the spikes you can see. Okay. Those are meant for self. So all these are silver? Yeah, all is silver. This gallery, this showcase, these are silver ornaments. These are smokers. In the past, it was wars and all these are used, but nowadays these are not in use. Not only during rituals, etc. This is a raincoat. Raincoat. This is a raincoat, okay. We can take the picture. It is even made up of siyali leaves and some that siyali fiber. Fibers. They just bind it with the CN fibers. And these are some blowing instruments. Okay. This is made up of horn, buffalo horn. Buffalo horn. Okay. From Puttia country. This is buffalo skin. Okay, this is buffalo skin, yeah. That is a long drop. Tusser. Okay, so these are tusser silks. And on top of that, they have painted. The artifacts, the things over here, different tribes, there are a lot of things over here. You can come and government has created this awesome museum and they have kept it in showpieces. You can just look around those things and just have a look at that tribal lifestyle. So thank you Kavita ma'am and Vijita ma'am and Madhu ma'am for guiding us through this thing. So just after entering the museum, you can just get into the souvenir shop and food court. That's the food court out there and that's the way we went to see the lifestyle and all those things of the tribal people. So left and this is the right over here, which is having this souvenir shop and the food court. So after this wonderful explanation about the tribal museum and the tribal lifestyle and culture about the tribal people, the weapons, the agricultural things, let's dig into some food over here. So they have a food court at this place, the food court, and this is the souvenir shop. If you want to purchase any tribal jewelry or accessories, it's available in this souvenir shop. So let's dig into some food in the food court over here. So we'll see the marination process. बम्बू चिकन. बम्बू चिकन. ओके. ये हमारा पूरा आदिवासी स्टाइल है, ट्राइबल फूड ये. हां ये कोई हमारा फ्राई नहीं होता है, कुछ नहीं होता है, सिर्फ चिकन को और मसाला मैरिनेट करके बम्बू का डाला जाता है. ओके. डालने के बाद यहां पर जो है इसको स्टॉप
अंदर जो बॉईल होगा इसलिए आटा है। अच्छा, तो अभी ये पूरा चिकन को पूरा स्टॉप करेगा, अंदर रखेगा ये। मटन भी ऐसे ही बनता है? मटन सेम प्रोसेस है, बन जब होता है वो, हाँ, बन जो होता है बाहर नहीं जाना है चाहिए हुआ, ताकि ये अंदर ही पके, अंदर ही कुक होगा पूरा जी। वो चिकन टोटली कुक नहीं हुआ है थोड़ा? नहीं नहीं, पूरा चिकन रॉ चिकन है, सिर्फ मसाला लगे हुए हैं, कोई फ्राई नहीं कुछ नहीं। अरे आपका पत्र पोड़ा फीस है, रोह फीस है ये, श्याल ली भी श्याल का पत्ता है ये, और ये मशरूम है, मशरूम और श्याल का पत्ता सेम है, कोई फ्राई नहीं कुछ नहीं है, सिर्फ मसाला में ओनियन टमाटर और मसाला मैरिनेट किया है, सिर्फ उसको कवर करके हम आग में जलाना है। अच्छा, उसको कवर करके फिर कवर करके उसको बंद करके हम आग में उसको जलाएंगे। ठीक है, तो भैया ने बता दिया कि अभी कैसे करना है, तो अभी फिलहाल दे विल टेक इट एंड प्रिपेयर दिस डिशेस, आफ्टर दिस आई विल शो यू द प्रिपेयर्ड आइटम। सो एज़ द सोवेनियर शॉप आउट देयर विल सी सम क्राफ्ट्स, दीज आर द डोका थिंग्स आर अवेलेबल, ऑल्सो वॉट एवर वी सॉ देयर इन द ट्राइबल लाइफ स्टाइल सेक्शन, how they build the things. You can find it out at this souvenir shop which is next to the food court. So our food is getting prepared, so we'll dig into that in some time. तो हमने देखा ट्राइबल लाइफ स्टाइल, वो कैसे रहते थे, उनके डिफरेंट ट्राइब्स जो 13 ट्राइब्स थे, उनके रहने का तरीका, उनका जीवन शैली, वो कैसे मतलब यहाँ रहते थे क्या। देन हम नेक्स्ट सेक्शन में देखा हमने कि वो उनका जो वेपन्स है और एग्रीकल्चरल थिंग्स और उनके एंटरटेनमेंट सोर्सेस लाइक डांस फॉर्म्स एंड आर्ट फॉर्म्स। सो आफ्टर दैट अभी इतना कुछ देखने के बाद इस म्यूज़ियम में उन्होंने एक फूड कोर्ट एंड सोवेनियर शॉप भी रखा हुआ है, आपको डेफिनेटली यहाँ भूख लगेगा, पक्का भूख लगने के बाद आप जाएंगे कहाँ, फूड कोर्ट। तो आप यहाँ आएंगे तो दिसंबर में एवरी ईयर ट्राइबल क्राफ्ट फेयर होता है यहाँ पर, सो अभी यहाँ पर ट्राइबल क्राफ्ट फेयर चल रहा है, तो अभी चलते हैं पहले खाना खाते हैं। म्यूज़ियम का टूर अच्छा लगा मुझे, म्यूज़ियम तो आपको दिखाया मैंने इसलिए क्योंकि काफ़ी इंटरेस्टिंग है, अगर आप ट्राइबल पीपल और उनके लाइफस्टाइल में मतलब इंटरेस्ट रखते हो तो आप डेफिनेटली आप इसको चेकआउट कर सकते हो, काफ़ी वेल लोकेटेड है इन द सिटी, आपको कहीं मतलब इनसाइड द सिटी और कहीं अंदर नहीं जाना है, बहुत अच्छी जगह पर है, जस्ट राइट बिसाइड द NH है, आपको गूगल में इसका लोकेशन बहुत अच्छी तरह से मिल जाएगा। तो अभी मैं पहले खाना खाते हैं, आपको दिखाता हूँ क्या खाएंगे, उसके बाद हम और कुछ बातें करेंगे। Finally the food has arrived, we have the fish which is you can see the leaf that time we saw while preparing, they put it on the leaf and they steamed on the tawa, they were burning it basically. So this is the fish which is completely done, cooked. Then next up is the puffed rice and the mutton curry. So these are the puffed rice and mutton curry, this is famous in the Mayurbhanj district of Odisha. Also we have some vegetarian dish out here, same style of the fish is cooked. It's the mushroom, so the mushroom chunks are all succulent and it's just tempting. But this is the bamboo chicken over here. We have the normal veg thali, also the puffed rice. So I'm digging into the food. So that was my take on the Tribal Museum Bhubaneswar. We had that wonderful guided tour of the Tribal Museum. Also you can come here, the guides are there for the things over here. Also aap log yahan pe aap food court mein ja sakte hain, ट्राइवल फूड ट्राई कर सकते हैं। मेरा रिकमेंडेशन है द मुढ़ी मानसा विच इज़ द पफ्ड राइस एंड द मटन करी, दैट वॉज रियली द बेस्ट वन आई विल से, अदर थिंग्स वेयर एवरेज आई विल से, माई रिकमेंडेशन इज रिमेंबर मटन करी विथ पफ्ड राइस और मुढ़ी मानसा। अदर देन दैट दैट वॉज माई टेक ऑन दिस थिंग, हाउ यू लाइक इट जस्ट पुट योर थाट्स और क्वेरीज इन द कमेंट सेक्शन, ऑल्सो इफ यू लाइक दिस वीडियो डू हिट द लाइक बटन, if you are new to the channel consider subscribing, thank you for watching this video, as always keep loving, keep exploring,
Take care. Bye-bye.